ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और एक बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां गीता कोड़ा को विधानसभा में टिकट नहीं देने की मांग उठी है। दरअसल गीता कोड़ा को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने की मांग की गई है। जगन्नाथपुर से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से मुलाकात की है और संगठन मंत्री करमवीर सिंह से भी मिले हैं जगन्नाथपुर से आए बीजेपी के कार्यकर्ता। वही कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि हमें थोपा प्रत्याशी मंजूर नहीं। दरअसल मधुकोड़ा ने पूरे कैडर के साथ 2004 में बीजेपी छोड़ा था, ये बातें कार्यकर्ताओं ने कही हैं। उन्होंने उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जमीनी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की इमारत खड़ी की और ऐसे में जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी सही नहीं। और इसी खबर की और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आरती हमारे साथ बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। आरती, देखिए गीता कोड़ा को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने की मांग उठी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए अंकिता, इस बात को इसी तरह से समझना होगा कि अब तो विधानसभा चुनाव आ गए हैं, लेकिन इससे पहले लोकसभा चुनाव में जो गीता कोड़ा का रिजल्ट रहा वो हार गई। इसको आप इसी बात से समझिए कि चाईबासा से वो चुनाव लड़ रही थी, लेकिन 800 ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां पर बीजेपी का एक भी पोलिंग एजेंट नहीं था और ये हार की बड़ी वजह मानी जा रही है। तो इसी से समझिए कि नाराजगी कितनी है, और ये नाराजगी अब सीधे तौर पर सामने आ रही है। एक प्रतिनिधिमंडल बाकायदा जगन्नाथपुर इलाके का, एक बीजेपी का पूरा एक धड़ा पहुंचा, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी और संगठन के मंत्री जो हैं करमवीर सिंह, उनसे उन्होंने मुलाकात की और ये कहा है कि अब बोरो प्लेयर नहीं चलेगा। यानी कि थोपा हुआ अगर मेंबर लेकर आते हैं, आप किसी ऐसे नेता को लेकर आते हैं तो वो उनका साथ नहीं देंगे। वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें अपने बीच का कोई नेता चाहिए, अब बहुत हो गया। और ये उन्होंने इसमें इस बात का भी जिक्र किया है कि 2004 में जब वो पूरा अपना कैडर लेकर मधुकोड़ा बीजेपी से अलग हो गए थे, उसके बाद जब उन्हें चाईबासा, इस बार जब चाईबासा से लोकसभा सीट दी गई गीता कोड़ा को, उस वक्त नाराजगी थी। ये कहा गया था कि जब पूरा कैडर अलग हो चुका था फिर भी गीता कोड़ा को लाया गया, लेकिन उस वक्त भी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, पूरे जी तोड़ मेहनत से पार्टी को एक नए तरीके से खड़ा किया गया। लेकिन उसके बाद जब बोरो प्लेयर आया तो उनकी नाराजगी फिर देखने को मिली, और नाराजगी का परिणाम ही रहा कि लोकसभा चुनाव में रिजल्ट क्या रहा, गीता कोड़ा चुनाव हार गई। लेकिन अब जब ये बातें सामने आ रही हैं कि शायद चाईबासा से फिर बीजेपी गीता कोड़ा को टिकट दे सकती है, तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी उभर कर सामने आई है। और अब ये एक पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से मिलने, संगठन मंत्री करमवीर सिंह से मिलने। उन्होंने एक आवेदन दिया है कि अब ये नहीं चलेगा, अगर आप थोपा हुआ कोई भी उम्मीदवार हमें देते हैं तो हम सहयोग नहीं करेंगे, हमें हमारे बीच का नेता चाहिए जिनके लिए हम काम करें ग्राउंड पे। अंकिता जी, आरती आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि गीता कोड़ा को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने की मांग उठी है। जगन्नाथपुर से आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से मुलाकात की। सभी का कहना है कि बोरो प्लेयर, जो भी यानी कि दूसरे पार्टी से लाए गए कार्यकर्ता, या जिस, क्योंकि अगर हम गीता कोड़ा की अगर बात कर ले तो कांग्रेस से सांसद थी और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुई और बीजेपी के ही टिकट पर उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में साफ तौर पर कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि मधु कोड़ा ने पूरे कैडर के साथ 2004 में पार्टी छोड़ दी थी और जमीनी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की इमारत खड़ी की और जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी सही नहीं, इसलिए गीता कोड़ा को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाए। बड़ी खबर में आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, गीता कोड़ा को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने की मांग उठी है। और हमारे सहयोगी आरती भी हमारे साथ बनी हुई थी, इनका भी सीधे तौर पर यही कहना है, उन्होंने यही पूरी जानकारी दी कि कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि बोरो प्लेयर जो लाए गए हैं वो नहीं, उन्हें टिकट देना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि जमीनी कार्यकर्ताओं ने ज़्यादा मेहनत की है लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि कांग्रेस एकमात्र सांसद थी गीता कोड़ा, और जब बीजेपी में वो शामिल हुई तो बीजेपी के ही टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा और जोबा मांझी सांसद बनी। लेकिन साफ तौर पे कहा जाए तो कार्यकर्ताओं की नाराजगी कई दिनों से सामने निकल कर आई है और इसी बीच गीता कोड़ा को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देने की मांग उठी है। विधानसभा चुनाव अब ज्यादा समय नहीं बचा है, उसमें बीजेपी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। तो दूसरी तरफ ये जो
अंदरूनी जो बातें सामने आ रही है, अंदर खाने से जो बातें सामने आ रही है कि गीता कोड़ा को टिकट नहीं दिए जाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बावड़ी से मुलाकात भी किया गया है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि एक वक्त था जब मधु कोड़ा 2004 में पूरे कैडर के साथ बीजेपी को छोड़ दिए थे, उसके बाद पार्टी को एक बार फिर से खड़ा किया है जमीनी कार्यकर्ताओं ने।